नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं आपको डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पे या मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस पे, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है। हम सिंपल इसके बारे में आज जानेंगे। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि बैंक, जब भी आप कोई लोन लेते हो बैंक से, तो बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है वो जो आपकी आउटस्टैंडिंग होती है उस पर करता है। लेकिन इसमें भी एक कैच है कि डेली रिड्यूसिंग बैलेंस या मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस। अब मैं एक एक करके बताता हूँ कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होती है। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान के चलिए आपने कोई लोन ले रखा है जिसकी आउटस्टैंडिंग 1 सितंबर 2022 को 1,52,000 है, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि 12 सितंबर को उसके अंदर 50,000 रुपये डिपॉजिट कर देते हो। अब आपके आप पर बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा अगर डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है तो आपका। देखिए, अगर मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट समझूँ आपके लोन के ऊपर, तो पहले 11 दिन जब आउटस्टैंडिंग 1,52,000 थी तो उसका इंटरेस्ट आपको बनता है 458 रुपये, और फिर 19 दिन जब आपकी आउटस्टैंडिंग 1,02,000 हो गई 50,000 डिपॉजिट करने के बाद, तो उसका इंटरेस्ट बनता है 531। टोटल 989 का आपका इंटरेस्ट बनता है। ये हो गई कैलकुलेशन, क्योंकि जिस दिन आपने पैसा डिपॉजिट किया बैंक ने जो आपका रिड्यूसिंग प्रिंसिपल अमाउंट था उसी से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। अब मैं आता हूँ कि मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस पे कैसे काम होता है, वो कितना आपको कब महंगा पड़ता है वो। देखिए, हम वही एग्जांपल लेके चलते हैं। लोन है जिसकी आउटस्टैंडिंग 1,52,000 है, कस्टमर डिपॉजिट करता है 50,000 रुपये। अब इसके अंदर क्या है, जब बैंक, अगर आपका मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस है तो जो 1 तारीख को जो बैलेंस था पूरे महीने भर में अगर आपने कोई भी डिपॉजिट किया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 1 तारीख के बैलेंस से ही पूरे महीने भर का कैलकुलेशन होगा। मतलब सारे 30 दिन आपको 1,52,000 के ऊपर ही ब्याज देना है बैंक को, जो कि बनता है 1,249। कितना फ़र्क आ गया। तो मतलब ये है कि जब कभी अगर यदि आप मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस में जाते हैं और मंथ में कुछ भी डिपॉजिट करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगले महीने से जो भी आपका आउटस्टैंडिंग रहेगी पहले दिन उसी पर ब्याज लगेगा। तो ये फ़र्क था। बाकी आज की डेट में जहाँ तक मैं जानता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के अमाउंट पर ही आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। बाकी कुछ प्राइवेट बैंक या कुछ NBFC कई बार मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस पे करते हैं चार्ज। तो आप थोड़ा, जब भी आप लोन लें तो थोड़ा कॉशियस रहे कि आप उसके अरेंजमेंट लेटर, सेंक्शन लेटर को गौर से पढ़ें कि उस पर मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस है या मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस है। हमेशा चूज़ करें कि डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर ही चले, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है। बीच में कुछ भी डिपॉजिट करते हो महीने में तो उसका बेनिफिट आपको इंस्टेंटली मिलता है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।